सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 11 जुलाई है और दिन है मंगलवार। आज सरसों और गवार के अंदर दिन जो है मंगलमय रहा है साथियों, और अच्छा मंगलमय रहा है। अच्छी रिकवरी गवार के अंदर, हालांकि बहुत बड़ी रिकवरी नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस लेवल को हम लोग टच करके आए थे उस लेवल से अभी भी गवार काफी पीछे है, लेकिन फिर भी ग्वार के अंदर जो है अच्छी रिकवरी, पहली बात। दूसरी बात, सरसों के अंदर भी शानदार रिकवरी हुई है, लेकिन ये फेक और फर्जी रिकवरी है, इसका भाव लंबे समय तक तेज नहीं रहेगा, जो आज भाव है। चर्चा जो है इसके ऊपर भी साथियों करेंगे। कॉटन डाउन, स्पष्ट बोला था रविवार के लाइव में, बिल्कुल साफ बोला था। कल लाइव नहीं आ पाया, जैसा कि आप सबको पता है साथियों कि नहरों का सिस्टम पूरे का पूरा कोलैप्स हो चुका है। लगातार कोशिश है कि हर किसान के खेत में पूरा पानी पहुंचे, लेकिन पंजाब के अंदर बारिश, हिमाचल के अंदर बारिश, और हरियाणा के अंदर अलर्ट है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर भी अलर्ट है, जो गगर का पानी आ रहा है उसको लेकर के। तो लगातार कोशिश जारी है कि हर किसान के खेत तक पानी पहुंचे, चाहे वो अनूपगढ़, सूरतगढ़, किसी भी ब्रांच का, करनी जी का हो, चाहे वो गंगनहर का हो, चाहे भाखड़ा का हो। कोशिश कर रहे हैं कि हर एक के खेत में पानी पहुंचे, लेकिन उस सबके चलते कल समय साथियों नहीं मिला है। विनोद कुमार जी साहब ने वीडियो को शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोल दूंगा, एक एक करके सारे साथी शेयर वाला बटन दबा दिया करो यार, कंजूसी करते हो कई बार आप शेयर करने में। सबसे पहले चर्चा करेंगे साथियों आज ग्वार के ऊपर, फिर चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर, और फिर चर्चा करेंगे साथियों कॉटन के ऊपर। पहली चर्चा देखिए, ग्वार आज अच्छी रिकवरी के साथ जो है ग्वार गम और ग्वार वायदा दोनों, ग्वार सीड आज 5558 के ऊपर काम कर रहा है वायदा में, और जो ग्वार गम है, ग्वार सीड 5558 और ग्वार गम जो है लगभग 11,000 के ऊपर ही काम कर रहा है साथियों, जो इस महीने का वायदा है उसके अंदर। हाजिर की जो मंडियां हैं, थोड़ी सी बड़ा सुधार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा सुधार उनके अंदर भी देखने को मिला है ग्वार के अंदर। गुरिंदर जी धन्यवाद आपका, जेएस जी आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है, शुक्रिया आप सबका। तो बड़ी तेजी तो नहीं है, लेकिन ग्वार के अंदर एक ठीक सुधार बनता हुआ नजर साथियों आ रहा है, वो एक बड़ा सुकून देने वाली बात है, क्योंकि ग्वार ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर काफी तीन तीन चार चार सालों से काफी किसान भाई हमारे ग्वार रख के बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब उनको 6,000-7,000 का भाव मिले, लेकिन 7,000 के भाव को छूना बहुत मुश्किल है सीजन में। मैंने पहले भी कई बार जो है मेरे लाइव के अंदर बोला है कि मुश्किल है 7,000 के भाव को टच करना, काफी मुश्किल है। शोकरण जी, रमेश जी गुदारा साहब और रजनीश जी बिश्नोई साहब, शुक्रिया आप सबने वीडियो को शेयर किया। जो जो भाई शेयर करते जाएंगे, सूरज मेहता साहब शुक्रिया आपका, जो जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बारी बारी से बोलता जाऊंगा। तो ग्वार के भाव की बात करें साथियों, सिरसा 5200 रुपए, आदमपुर 5225, नोहर 5285, बादरा 5310, सादुलपुर 5405, सिवानी 5440, और ग्वार सीड का जो वायदा है और जो ग्वार गम का वायदा है उनके अंदर अच्छी जो है तेजी बनती हुई नजर आई है। ग्वार गम का जो वायदा है उसके अंदर 400 रुपए तक की तेजी लगभग बनती हुई आज साथियों नजर आई है। विनोद जी ने मेरे YouTube चैनल का लिंक शेयर किया है, वहां पर भी आप जुड़ सकते हो, वहां पर भी खेती को खेती की जो लेटेस्ट जानकारी की वीडियो मैं शेयर करता रहता हूं। किसान पुत्र राजा हेयर के नाम से YouTube के ऊपर अपना चैनल है। पप्पा राम जी धड़ सब शुक्रिया वीडियो को शेयर करने के लिए। बात करें साथियों सरसों की रिकवरी 100 रुपए की, ये मैंने साफ और स्पष्ट, आप सब में से काफी साथियों ने जो है रविवार वाली वीडियो देखी होगी, मैंने साफ बोला था कि बड़ी तेजी नहीं है, उठा पटक रहेगी। आज उठा हुई है, मेरी बात को गौर करना आप, आज उठा हुई है, कल को पटक होगी, ये तय है। या तो कल भाव स्टेबल रहेंगे 100% में से 90%, ये लगे कल भाव सरसों के गिर सकते हैं, ऐसी सूचना आ रही है। ये दोपहर को मैंने एक पोस्ट के माध्यम से बताया था कि सरसों के भाव जो है गिर सकते हैं साथियों। उम्मीद बड़ी ये कि शायद जी, रवि बिश्नोई जी, मदनलाल जी शुक्रिया आपका, संधु साहब आपका शुक्रिया, धीरज जी आपका भी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। जो जो भाई शेयर करें भाई सबका शुक्रिया, धन्यवाद भाई, आप सबकी वजह से हमारे दूसरे किसान भाई वीडियो को देख पाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी पोस्ट को लाइक मत करो, चाहे कमेंट करो, अगर आपका सवाल है तो कमेंट करो, अच्छी भाषा सभ्य भाषा में कमेंट करो, मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब देने की, लेकिन शेयर जरूर करो ताकि और जो है किसान भाइयों तक अपनी वीडियो पहुंच जाए। तो साथियों सरसों में
अच्छी रिकवरी आज 50 से 70 80 100 रुपए की कुछ मंडियों में। बड़े प्लांटों के तो आपको पता ही, वो तो खेला करते हैं, वो आज खेल उन्होंने किया, कल वो डाउन जाएंगे, इस बात में कोई दोराय नहीं है। लेकिन सरसों का भविष्य कोई बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं है, नहीं लग रहा है कि सरसों के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी तेजी जो है आ जाएगी, मुश्किल लग रहा है। भरतपुर 5300, दिल्ली 5400, जयपुर 5625, सलोनी 6050, खेरली 5300, सिरसा 5055, बीकानेर 5120, नागौर 5070, गंगानगर 5110, ऐलनाबाद 5212, रेवाड़ी 5300, रायसनगर 5230 और विजयनगर 5100 रुपये। साथियों आज जो है सरसों बिकी है। एक चीज ठीक है, सरसों के जो भाव हैं, जो सरसों के भाव हैं वो जो लैब है उससे 1000 रुपये ऊपर गए हैं, 1000 से भी आज 10-20 रुपए ऊपर गए हैं, वो ठीक बात है। लेकिन कल से सरसों के बाजारों के अंदर एक स्टेबिलिटी माफी चाहूंगा, एक स्टेबिलिटी या फिर एक सुस्ती आपको देखने को साथियों मिल सकती है, ये बात बिल्कुल तय बात है। चर्चा करें साथियों कॉटन की। कॉटन में साफ स्पष्ट बोला था आपको, आज जल्दी जल्दी बहुत बोल रहे हो विनोद जी, नहीं जल्दी की बात नहीं है, आज पानी की बारी भी है, वो भी संभालनी है, इसलिए थोड़ा जल्दी में था भाई, माफी चाहूंगा विनोद जी। तो एक चर्चा करें साथियों अपने कॉटन के ऊपर। कॉटन में देखिए, मैंने रविवार को बड़ा साफ और स्पष्ट बोला था कि कॉटन के अंदर तेजी अब यहां से बहुत मुश्किल है। रामगढ़िया जी आपका शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। कॉटन में आज भी गिरावट, पहले जो बाजार 7000 से लेके 7500 तक थे, आज वो बाजार 6800 से लेके 7100 या 7000 के घरों में साथियों बचे हैं। कॉटन का सीजन ऊपर खड़ा है, फसल भगवान की अभी तक कृपा है, हालांकि नुकसान काफी हुआ है पंजाब और उधर के एरियों के अंदर, लेकिन ठीक माहौल है कॉटन का, भी बहुत बुरी फसल नहीं है। गुलाबी सुंडी का अटैक बताया जा रहा था, लेकिन भी बहुत ज्यादा अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेमराज जी को सब शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है, जो जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोल दूंगा। तो कॉटन में साथियों फसल अच्छी है, भगवान करे कि आप सबके खेतों में अच्छी फसल हो साथियों, और सबके खेतों में अच्छी फसल हो। लेकिन बाजार भाव जो है कॉटन के, मैं अभी से बोल रहा हूं जी, ओम प्रकाश जी परिहार साहब शुक्रिया आपका। देखिए मैं अभी से बोल रहा हूं कि बाजार भाव जो रहेंगे अगले साल कॉटन के, उसके अंदर ना तो 2021 वाली मौज रहेगी, ना तो 2022 वाली मौज रहेगी, इससे ज्यादा मैं अभी, क्योंकि अभी सीजन में 3 महीने पड़े हैं, अभी कुछ नहीं बोलूंगा। समझ लेना, ना तो 2021 वाली मौज रहेगी, ना तो 2022 वाली मौज रहेगी, चाहे ये वीडियो की कटिंग करके रख लेना भाई, मैं आपको साफ और स्पष्ट बता रहा हूं। बाकी बात कभी फिर करेंगे जो नेक्स्ट सीजन है उसकी, जितनी अब तक की रिपोर्ट है उसका मैंने सारांश निकाल के आपको जो है बता दिया साथियों। तो कॉटन के भाव आज मेरे को नहीं मिले। जीरे के बारे में एक भाई पूछ रहे हैं, भाई जीरे में ठीक ठाक है माहौल, बढ़िया माहौल बना हुआ है, अब कोई बहुत ज्यादा एक दिन में कोई 3000 तेजी तो नहीं होगी, लेकिन माहौल पॉजिटिव है जीरे के अंदर। बाकी जीरे की आज मेरे पास कोई खबर है नहीं, मैंने एक दो ब्लॉग्स देखे थे, हमारे एक साथी हैं पूनम जी चौधरी साहब उनका देखा था, एक दो हमारे और मित्र है सुधीर जी उनका देखा था, तो ठीक है माहौल उनका अच्छा है, जीरे का माहौल ठीक है, पॉजिटिव माहौल है, बहुत बड़ी तेजी नहीं कह सकता लेकिन जीरे के अंदर अच्छा सुधार है। जीरा एक ऐसी फसल है जिसकी जो क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन क्वालिटी अगर अच्छी हो तो भाव मिल जाता है जीरे के अंदर। तो साथियों मूंग के बारे में एक साथी पूछ रहे थे, मूंग में कोई तेजी नहीं। एक भाई लगातार पूछ रहे थे गेहूं का, तो गेहूं के अंदर भी भाई कोई बहुत बड़ी तेजी आज जो है दिखाई नहीं दी है। गेहूं का मैंने रविवार को बड़ा ही साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको बताया था जी। सचिन जी बिश्नोई साहब न्यू प्रणाम भाई साहब। तो साथियों मिलेंगे कल 8:30 बजे इसी टाइम यहीं पर साथियों, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।